यही दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ट्रेन का इंजन यहाँ पे खड़ा किया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं वीडियो को पॉज किया हूँ, देख सकते हैं इस पर नंबर लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे WDP4D, देख सकते हैं। इसी लिखे नंबर से आप लोग पता कर लेंगे कि यह इलेक्ट्रिक से चलेगी या आपका डीजल से चलेगी। तो देख रहे हैं, W का वाइड गेज हो गया D, यही जो D लिखा हुआ है ये आपका डीजल को दर्शाता है कि यह डीजल से ट्रेन चलेगी। और यदि यहीं D की जगह A रहेगा तो ये आपका AC करंट से चलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं इधर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, डीजल से चलने वाली आपका ये लोकोमोटिव इंजन हो गया। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इधर, देखिए ये इलेक्ट्रिक से चल रही है, देख रहे हैं ऊपर में वायर लगा हुआ है। ये छपरा जंक्शन है, ठीक है। तो चलिए आगे चल कर मैं दिखाता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितनी भी आपकी इंजन है, ठीक है, जो यहाँ देख रहे हैं सामने खड़ी हुई है, इसमें A लिखा होगा ज़रूर, ठीक है। और D रहेगा तो डीजल हो गया, ठीक है। और उसमें भी चार टाइप है, डीजल से चलने वाली ट्रेन जो है और AC करंट से चलने वाली ट्रेन, वो भी जो है आपका, वो भी आपका चार टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो आगे हम दिखाए थे अक्षर, कि जो लास्ट में लिखा हुआ है PMS, ठीक है, तो P का हो गया पैसेंजर ट्रेन को खींचेगी, जो ये देख रहे हैं ट्रेन, इस पर यदि लास्ट में P लिखा होगा तो ये आपका पैसेंजर ट्रेन को खींचेगी, यदि M लिखा होगा तो मिक्स ट्रेन को खींचेगी, यदि आपका S लिखा होगा तो संटिंग के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें देखिए अक्षर साफ साफ देख सकते हैं, WAP यानी ये हो गया ये AC करंट से। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में वायर लगा हुआ है और देख रहे हैं उसमें एक कनेक्टिंग वायर भी है, तो इससे पता चल गया कि ये आपका इलेक्ट्रिक से चलने वाली आपका लोकोमोटिव इंजन है। यहाँ पर देखिए अक्षर यहाँ पे A बीच में लिखा हुआ ज़रूर, यहाँ पर देख सकते हैं WAP, यहाँ पर देख सकते हैं। यही D रहता तो ये डीजल से चलेगी, ये पैसेंजर ट्रेन को खींचेगी, P दर्शाता है पैसेंजर ट्रेन को जो लास्ट में लिखा रहता है, M रहेगा तो मिक्स ट्रेन को खींचेगी, S रहेगा संटिंग के लिए हो गया, और यदि G रहता है तो गुड्स ट्रेन को खींचेगी। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, एक देखिए यहाँ पे इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऊपर में इलेक्ट्रिक का वायर लगा हुआ है, इसमें भी दो कनेक्टिंग वायर होता है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, देख सकते हैं। यदि जब आगे चलेगी तो पीछे वाला जो इलेक्ट्रिक वायर जो है, कनेक्टिंग वायर जो ऊपर जुड़ता है वायर से जो कनेक्ट हुआ है, वो आपका पीछे वाला खुलेगा। और यदि वही ट्रेन ये जो देख रहे हैं, यदि पीछे चलने लगेगी तो आगे वाला ये कनेक्टिंग वायर खुल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग ट्रेन का इंजन, ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका जितने भी ये गुड्स ट्रेन को खींच रही है, यदि इस पर गुड्स ट्रेन को खींच रही है तो इस पर M लिखा होगा, ठीक है। ये आपका मिक्स ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन को भी खींचेगी और गुड्स ट्रेन को भी खींचेगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मालगाड़ी को भी खींचेगी, ये पैसेंजर ट्रेन को भी खींचेगी। ये देखिए BTPN है, ये देख सकते हैं जो पेट्रोल ले जाने वाली ये टैंक है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका BBZ हो गया, ये एक आगे लगता है एक पीछे भी लगता है। तो चलिए इसी से आप लोग पता कर सकते हैं, मैंने बता दिया कैसे ट्रेन के इंजन में लिखे नंबर से आप लोग पता कर लेंगे कि कौन सा ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलेगी, कौन सा ट्रेन डीजल से चलेगी, और कौन सा ट्रेन पैसेंजर ट्रेन खींचेगी, और कौन सा ट्रेन आपका मालगाड़ी को खींचेगी, और कौन संटिंग के लिए लगता है और कौन संटिंग के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने समझ गया यहाँ पे ट्रेन के इंजन पर लिखे नंबर से, और जो लास्ट में नंबर लिखा रहता है 4E 4D ऐसे 7D, ठीक है, तो ये आपका लास्ट में जो लिखा नंबर वो सीरीज दर्शाता है, वो लेटेस्ट मॉडल आपका दर्शाता है। जैसे WEC 12 लास्ट आया है, ठीक है, जो बहुत पावरफुल इंजन है, तो यह आपका लास्ट में जो लिखा नंबर आपका मॉडल को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट मॉडल आपको बता दिया मैंने कि 12 जो है, WEC 12, ठीक है, वो बहुत पावरफुल इंजन है, 12000 हॉर्स पावर का, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग के माध्यम से जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश किया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ कोई ना समझ में लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं।